स्टैंडर्ड सेकंड सब्जेक्ट हिंदी। हमने लास्ट वीडियो में हिंदी सब्जेक्ट में वोवेल्स लिखे थे अपनी नोटबुक में, तो आज भी हम हिंदी की नोटबुक लेंगे। इसमें हमने कहाँ तक लिखे हैं, स्वर अ, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली और ई से ईख। ये चार स्वर हमने हमारी नोटबुक में लिखे। आज हम इसके आगे का जो स्वर है वो लिखेंगे, तो नेक्स्ट पेज लीजिए और वहाँ पे स्वर उ का हेडिंग दीजिए। या कौन सा हेडिंग देंगे आप, स्वर उ, दीर्घ ई के बाद आता है स्व उ। तो हम यहाँ पे लाइन बनाएंगे, कितनी लाइन ड्रॉ करनी है आपको, 1, 2 और 3, जिससे हमें चार पार्ट मिलेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे स्वर उ, उसे क्या बनता है, उल्लू। हम यहाँ से लिखने की शुरुआत करेंगे, जैसे आप 3 लिखते हो उस तरह से लिखिए और उसको थोड़ा सा ऊपर तक ले जाइए, ऊपर स्लिपिंग लाइन। ये हमने क्या लिखा, उ, स्वर उ। उसे और कौन कौन से शब्द बनते हैं, उसे उल्लू, उसे उपहार भी बनता है। उपहार यानी कि किसी को आप भेंट या तो गिफ्ट दे रहे हो उसे कहते हैं उपहार। और उसे उंगली भी बनती है, जैसे हमारी ये फिंगर है उसे क्या कहते हैं हिंदी में, उंगली, और इसको हम इंग्लिश में कहेंगे फिंगर। ये हम कौन सा स्वर लिख रहे हैं यहाँ पे, उसे उल्लू, उसे उपहार भी आप बोल सकते हैं और उसे उंगली भी बोल सकते हैं। देखिए हमने ये जो उ लिखा वो पूरे चारों चारों लाइन में कंप्लीट कर देना है। चलो आप भी लिखते जाइए मेरे साथ। तो यहाँ पे मैंने स्वर उ लिख दिया है, आपको भी इस प्रकार से ये पूरा पेज कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट वोवेल यानी कि नेक्स्ट स्वर कौन सा है, दीर्घ उ। तो न्यू पेज में उसकी हेडिंग लगाए स्वर उ, ये कौन सी मात्रा है, दीर्घ उ की। अब इसके लिए आप भी यहाँ पे लाइन ड्रॉ कीजिए और यहाँ पे हम लिखेंगे स्वर उ, उसे ऊंट, उसे क्या बनता है बच्चों, ऊंट। ये हमने कौन सा उ लिखा, दीर्घ उ। देखिए अब हम लिखने की शुरुआत करते हैं, जैसे हमने स्व उ बनाया उसी प्रकार से, लेकिन उसके जो बीच का ये पार्ट है वहाँ से आपको ये नीचे की तरफ ले जाना है। तो ये क्या बना, दीर्घ उ, उसे ऊंट, उसे क्या बनता है, ऊंट, उसे ऊन भी बनता है। और उसे ऊपर, कौन सा शब्द बनता है, ऊपर, तो हम यहाँ पे स्वर उ लिखेंगे, उसे ऊंट, ये आपको बोलते जाना है। और ये सारे पेज में दीर्घ उ लिखना है, उसे ऊंट, उसे ऊंट। बच्चों ये बाकी की दो लाइन है उसमें भी स्वर उ लिख लीजिए, तो आपका भी इस प्रकार से पूरा पेज कंप्लीट हो गया ना। अब हम स्वर उ के बाद का स्वर लिखते हैं, तो वो आता है स्वर री। कौन सा स्वर आएगा, री। तो हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे स्वर री, जैसे आपको त्र लिखना है पहले, बाद में उसको ऊपर तक ले जाइए जैसे आप आर करते हो उस प्रकार से, और नीचे सी। तो बन गया हमारा रू तैयार। अब हम इसके लिए लाइन बना देते हैं और यहाँ से लिखेंगे हम स्वर री, री से ऋषि। कौन सा शब्द बनेगा, री से ऋषि, री से ऋतु भी बनता है यानी कि मौसम, जो सीजन्स होते हैं उसको हिंदी में क्या कहते हैं, ऋतु। और री से ऋषभ भी बनता है, ऋषभ यानी कि बुल, री से ऋषि। हमने ये कौन सा स्वर यहाँ पे लिखा, री से ऋषि। तो ये आपको इस प्रकार से लिखते जाना है और चारों चार लाइन में स्वर री लिखना है।
स्वर री हमारी नोटबुक में कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद का स्वर हम लिखेंगे वो है स्वर ए। तो नया पेज लीजिए और वहाँ पे स्वर ए की हेडिंग लगाइए और अब हम ए लिखना स्टार्ट करते हैं। ये हमने कौन सा स्वर लिखा, यहाँ पे ए, ए से एक। बच्चों वन है उसको हिंदी में कहेंगे एक, तो एक लिखने के लिए आपको ए है वो इस प्रकार से लिखना है। ए से क्या बनता है, एक। ए से एड़ी भी बनती है, जो हमारे पाँव की एड़ी होती है वो इसी स्वर के द्वारा लिखी जाती है। ये कौन सा स्वर लिखा हमने, ए, ए से एक, ए से एक। अब हम ये बाकी की दो लाइन है उसमें भी स्वर ए लिख देते हैं। लिख लिया ना बच्चों आपने भी ये दोनों लाइन में। देखिए स्वर ए आपका इस प्रकार से चारों लाइन में कंप्लीट हो जाए, उसके बाद लेना है नेक्स्ट पेज, वहाँ पे हम स्वर ऐ लिखेंगे। कौन सा स्वर लिखेंगे, ऐ, और उसके लिए लाइन भी हम ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ से हम लिखने की शुरुआत करते हैं। बच्चों आपको एक एक लाइन बीच में लीव करते जाना है। हम सबसे पहले जैसे हमने ए से एक में जो स्वर लिखा वो लिखते हैं और ऊपर हम बनाते हैं स्लांटिंग लाइन, तो ये कौन सा बना, स्वर ई ऐ। ऐसे ऐनक, ऐसे क्या बनता है, ऐनक। ऐनक यानी कि जो स्पेक्टेकल्स आपने देखे ना वो, इसको कहते हैं ऐनक। ऐसे और क्या बनता है, एरावत। ऐसे आप एरावत भी बोल सकते हैं और ऐसे एम्बुलेंस भी बोल सकते हैं आप। आपको जो इजी लगे वो वर्ड आप बोलते जाइए और ये सभी जो लाइन है उसमें आप ऐसे एरावत लिखते जाइए। ये हमने कौन सा स्वर लिखा, स्वर ऐ, ऐसे एरावत। तो अभी जहाँ पे भी जगह है वहाँ पे आपको लिखना है ए, तो आप लिख दीजिए। स्वर ए भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। बच्चों आज हमने कौन कौन से स्वर हमारी नोटबुक में लिखे, हमने स्वर ऊ से लिखने की शुरुआत की, स्वर ऊ, ऊ से उल्लू। उसके बाद हमने दीर्घ ऊ लिखा, स्वर ऊ, ऊ से ऊंट। आगे हमने कौन सा स्वर लिखा, री, री से ऋषि। स्वर ए यानी कि ए से एक, और लास्ट हमने वोवेल्स लिखा, स्वर ए, ए से एनक। तो बच्चों ये सारे जो मैंने आज आपको स्वर लिखवाए वो आपको भी अपनी हिंदी की नोटबुक में लिख लेना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।